मेरा नाम मीता गुल है, मेरा ताल्लुक है चित्राल वादी कलाश से और मैं तकरीबन 2006 से ये हैंडीक्राफ्ट का काम स्टार्ट किया। होम बेस पे मैं खुद अपने माइंड से बना रही थी, कलाशा केप्स हो गया, फ्रॉक हो गया, बेल्ट हो गया, ब्रेसलेट्स वगैरह बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाती थी और जो ट्वेरस वहाँ पे आते थे उनको सेल करती थी मैं, ना ऑनलाइन में सेल करती थी ना डिमांड्स आते थे मुझे। जो भी ट्वेरस गांव आते थे अगर मेरा इंटरेक्शन इनसे हुआ या मैं कोई शॉप पे रखती थी वो आके मुझसे घर आके खरीद लेते थे। इस तरह मैं ये काम स्टार्ट किया होम बेस पे खुद अपनी आइडिया से। और उसके बाद मैं 2011 में मैंने जॉब स्टार्ट किया ये पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ। उस टाइम भी मैं सुबह 7 बजे से तकरीबन 2-3 बजे तक मैं ऑफिस पे होती थी, उसके बाद घर आके रात को बैठ के मैं ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाती थी ताकि हम ये एक साइड से हमें और भी फ़ायदा हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को सही एजुकेटेड कर देंगे, हमारी वजह से गाँव में फीमेल्स को फ़ायदा होगी और उनको भी हम डिफरेंट आइडियाज़ देंगे कि आप इस तरह कर ले ताकि आप लोग अपने बच्चों की सही एजुकेशन दे सकोगे, घर का खर्चा मुहैया कर सकेंगे। और गांव में तो इस तरह के ज़्यादातर लोग पहले इतने एजुकेटेड नहीं होते थे तो फिर ज़ाहरी बात है फीमेल्स को ये चीज़ें करना पड़ता है और ये चीज़ें बना के वो बेचते, फिर घर का खर्चा भी उठाते हैं, बच्चों का फीस वगैरह भी पूरा कर लेते हैं। और इसके बाद ये अप्रैल में ये फेस फाउंडेशन के साथ मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग्स लिया। फेस फाउंडेशन और ये ब्रिटिश काउंसिल ने मिलकर एक वेबसाइट बनाया है हुमार्ट नाम से और ये ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ये चीज़ें हमें ट्रेनिंग्स दी है ताकि हम और भी अपने चीज़ें सही तरीके से कर सकें और वेबसाइट पे भी हम डाल सकें और इनको भी हम ये चीज़ें देंगे तो हमारे लिए ऑनलाइन ही ये चीज़ें सेल आउट कर लेंगे और हमें बहुत आसानी हो गया है अभी।